सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो तुम लोगों के काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि यार हर सीजन के बेस्ट बेब्लेड के बारे में बताओ, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेस्ट बेब्लेड फ्रॉम एवरी बेब्लेड बर्स्ट सीजन। क्योंकि इस वीडियो में तुम ये जानोगे कि सीजन 1 का बेस्ट बे कौन था, सीजन 2 का बेस्ट बे कौन था एंड सो ऑन। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल लेयर बेस के बेस्ट बेब्लेड के बारे में, एंड ये है नेपट्यून आर्म्ड जेफर। अब पहले तो मैं बता दूं कि सिंगल लेयर में ज्यादा अच्छे बेस नहीं थे, एंड मैंने नेपट्यून को क्यों बेस्ट बे के लिए सिलेक्ट किया वो रीजन भी अब तुम सुन लो। क्योंकि पहले तो इसकी लेयर राउंड शेप की है, साथ ही साथ उस टाइम के हिसाब से इसमें तुम्हें डिसेंट टीथ देखने को मिलते हैं। नहीं तो जिन बेस में तुम्हें अच्छे खासे टीथ देखने को मिलते थे उनका स्टॉक कॉम्बो काफी ज्यादा बेकार था, एंड यही एक बे है जिसका स्टॉक कॉम्बो भी थोड़ा डिसेंट्स आए। साथ ही साथ जो इसकी डिस्क है आर्म्ड वो भी उस टाइम की डिसेंट हैवी डिस्क थी, ज्यादा हैवी भी नहीं थी, ज्यादा ऐसे हल्की भी नहीं थी। साथ ही साथ जो इसका ड्राइवर है जेफर वो तुम्हें स्टार्टिंग में एग्रेसिव परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो एक स्टैमिना टाइप ड्राइवर की तरह ही एक्ट करेगा, मतलब वो सेंटर में ही रहेगा बट स्टिल उसकी अटैक पावर भी अच्छी है। साथ ही साथ बाद में भी वो तुम्हें अच्छा खासा स्टैमिना दे देता है, एंड यही रीजन है कि क्यों नेपट्यून को मैंने बेस्ट बे के लिए सिलेक्ट किया है। क्योंकि टाइम पे ज्यादा ऐसे अच्छे बेज नहीं आते थे, जो अच्छे बेज आते थे उनका स्टॉक कॉम्बो काफी ज्यादा बेकार होता था, उनके बे का कोई एक पार्ट काफी ज्यादा ही अच्छा होता था लेकिन बाकी पार्ट्स काफी ज्यादा खराब होते थे, तो इसलिए उनके कॉम्बो ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। यही एक बे मुझे मिला जो कि एक वेल बैलेंस्ड कॉम्बो के साथ आता है, एंड यही रीजन भी बन जाता है कि क्यों मैंने इसे बेस्ट के लिए सिलेक्ट किया। तो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 1 के बेस्ट बेब्लेड के बारे में, एंड ये बेब्लेड है लॉस्ट लॉन्गिनस। तो देखो अब तुम लोग कहोगे यार ये सीजन 1 का बेस्ट बे क्यों है, या शायद कुछ लोगों को पहले से पता ही होगा कि ये पहला लेफ्ट स्पिनिंग बे था पूरी बेब्लेड बर्स्ट की टॉय लाइन में। साथ ही साथ ये पहला वो बे था जिसकी लेयर में तुम्हें मेटल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, एंड यही रीजन है कि क्यों ये सीजन 1 का बेस्ट बे बन जाता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 2 के बेस्ट बे के बारे में, एंड इस बे के बारे में भी तुमने शायद सुना होगा ही क्योंकि ये है स्प्रेगन रेक्रियम। सो देखो स्प्रेगन रेक्रियम सीजन 2 का बेस्ट बे इसलिए है क्योंकि तुम्हें इसमें ऑलमोस्ट सभी कुछ परफेक्ट देखने को मिलता है। इसकी लेयर में पहले तो तुम्हें मेटल देखने को मिलता है, साथ ही साथ रबड़ भी देखने को मिलती है, एंड साथ ही साथ उस टाइम की सबसे हैवीएस्ट डिस्क तुम्हें स्प्रेगन रेक्रियम में ही देखने को मिलती थी। साथ ही साथ जो इसका ड्राइवर है जेटा वो मैं कहूंगा थोड़ा डिसेंट सा है, लेकिन बाकी दोनों चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं, एंड यही रीजन है कि क्यों स्प्रेगन रेक्रियम सीजन 2 का बेस्ट बे बन जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 3 यानी कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के बेस्ट बे के बारे में, एंड ये है चोजेत्सु वैलकरी, या तुम डेड हेडीज भी कह सकते हो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं चोजी वैलकरी के बारे में कि क्यों मैंने इसे सिलेक्ट किया है, बाद में बात करेंगे डेड हेडीज के बारे में। सो देखो चोजेत्सु वैलकरी की लेयर में पहले तो तुम्हें टर्बो लॉक देखने को मिलता है, साथ ही साथ जेनिथ जो कि उस टाइम की एक काफी अच्छी डिस्क थी वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ उस टाइम का एक डिसेंट अटैक टाइप ड्राइवर देखने को मिलता है जिसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ डेड हेडीज की अगर मैं बात करूं उसकी लेयर में तुम्हें सबसे ज्यादा मेटल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस टाइम की सबसे हैवीएस्ट लेयर डेड हेडीज की बन जाती है। लेकिन अब बस डेड हेडीज में यही प्रॉब्लम है कि उसकी लेयर ही सबसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो उसके बाकी दोनों पार्ट्स हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन उन दो बेकार पार्ट्स के साथ साथ भी वो काफी अच्छी तरीके से चोजी वैलकरी के साथ कम्पीट कर लेता है। लेकिन अगर मैं पार्ट वाइज देखूं तो चोजी वैलकरी ही जीतेगा, एंड यही रीजन है कि क्यों तुम टेक्निकली कह सकते हो कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो या सीजन 3 का बेस्ट बे चोजी वैलकरी ही है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सीजन 4 के बेस्ट बे यानी कि बेब्लेड बर्स्ट जीटी के बेस्ट बे के बारे में, एंड ये है लॉर्ड स्प्रेगन। अब लॉर्ड स्प्रेगन का भी स्प्रेगन रेक्रियम जैसा ही सीन है, इसकी लेयर में भी तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिलता है। इसमें काफी ज्यादा तुम्हें रबड़ देखने को मिलती है जो कि स्मैश अटैक एंड स्पिन स्टीलिंग के काफी ज्यादा काम आएगी। साथ ही साथ ये डुअल स्पिन बे है, साथ ही साथ इसमें ब्लिट्स डिस्क तुम्हें देखने को मिलती है जो कि बेब्लेड बर्स्ट जीटी की सबसे हैवीएस्ट डिस्क थी। साथ ही साथ जो इसका डायमेंशन ड्राइवर है अगेन मैं कहूंगा डिसेंट सा ही ड्राइवर है, एंड यही सब चीजें लॉर्ड स्प्रेगन को ओवरऑल बेस्ट बेब्लेड बर्स्ट जीटी का बे बना देती हैं। लेकिन मैं ज़ोआई लॉन्गिनस
उसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि वो भी बेस्ट बेब बन सकता था, लेकिन पहले तो उसका स्पायरल ड्राइवर अटैक टाइप के हिसाब से उतना अच्छा ड्राइवर नहीं है क्योंकि वो प्लास्टिक टिप है। साथ ही साथ जो ज़ुआई लॉन्गिनस की लेयर के टीथ हैं वो लॉर्ड स्प्रेगन के कंपेरिजन में थोड़े वीक हैं। साथ ही साथ लॉर्ड स्प्रेगन में तुम्हें छोटे से बर्स्ट स्टॉपर्स भी देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से उसे यहाँ पर भी एक फ़ायदा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ुआई लॉन्गिनस के सामने कम बर्स्ट होता है। एंड यही रीज़न है कि क्यों मैंने इसे बेस्ट के लिए सिलेक्ट किया। तो चलो अब बात कर लेते हैं बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग यानी कि बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 5 के बेस्ट बे के बारे में। एंड यहां पर लॉन्गिनस बाजी मार जाता है क्योंकि सीजन 5 का बेस्ट बे है रेज लॉन्गिनस, क्योंकि जो इसकी स्पार्किंग रिंग है उसमें तुम्हें पहले तो मिडिल देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो इसकी चैसी है BA जो कि ये काफी अच्छी चैसी है अपर अटैक्स के लिए। साथ ही साथ ये चैसी इस तरीके से बनाई गई है कि ये जो लॉन्गिनस की स्पार्किंग रिंग है उसके साथ काफी अच्छी तरीके से लिंक होती है एंड काफी ज्यादा पावरफुल अपर अटैक तुम्हें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें तुम्हें डिस्ट्रॉयर डैश ड्राइवर देखने को मिलता है जो कि अगेन एक अच्छा खासा ड्राइवर था, लेकिन अब बेब्लेड बर्स्ट DB एंड BO के टाइम में ये उतना अच्छा ड्राइवर नहीं है। एंड यही सब चीज़ें रेज लॉन्गिनस को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेब बना देती हैं क्योंकि इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलो बात कर लेते हैं बेब्लेड बर्स्ट DB यानी कि बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 6 के बेस्ट बे के बारे में। एंड ये है ग्रेटेस्ट रेफायल। सो देखो ग्रेटेस्ट रेफायल बेस्ट बे के लिए सिलेक्ट इसलिए मैंने किया है क्योंकि पहले तो इसकी लेयर थोड़ी डिसेंट सी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे टीथ के साथ आती है, मैं कहूँगा डिसेंट सी है, लेकिन जो इसकी डिस्क एंड इसका ड्राइवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि जो इसकी डिस्क है ओवर वो गेम की अभी तक की सबसे हैवीएस्ट डिस्क है। साथ ही साथ जो इसका ड्राइवर है हाई एक्सटेंड प्लस डैश उसकी लाइफ आफ्टर डेथ भी सबसे ज़्यादा अच्छी है गेम में, तो इसलिए ही मैंने ग्रेटेस्ट रेफायल को बेस्ट बे के लिए सिलेक्ट किया है। तो देखो इससे पहले कि मैं तुम्हें बेब्लेड बर्स्ट BU के बेस्ट बे के बारे में बताऊं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं तब बना रहा हूं जब अभी तक बर्स्ट स्प्रेगन लॉन्च नहीं हुआ है, तो उससे पहले के जितने भी BU बेज हैं उन्हीं सब में से मैंने एक बेस्ट बे सिलेक्ट किया है एंड ये है जेस्ट एकिलिस। सो देखो जेस्ट एकिलिस को मैंने इसलिए ही सिलेक्ट किया है क्योंकि तुम्हें इसमें सब कुछ ही देखने को मिलता है। पहले तो जो इसका BU कोर है इसके टीथ सबसे ज्यादा अच्छे हैं, मतलब अभी तक जितने भी डुअल स्पिन कोर्स आए हैं उन सभी में से सबसे अच्छे टीथ तुम्हें जेस्ट एकिलिस के कोर में ही देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो इसका ब्लेड है जेस्ट वो मैं कहूंगा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड जो इसकी डिस्क है इलीगल वो मैं कहूंगा इतनी ज्यादा हैवी तो नहीं है, बट इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, मतलब जो ये एजेस पे ही अपना सारा वेट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसकी वजह से इसकी लाइफ आफ्टर डेथ काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ जो इसका क्वाट्रो ड्राइवर है वो सारी ही चीजें कर सकता है, मतलब अटैक करना है, बैलेंस करना है, डिफेंस करना है या स्टैमिना करना है, सभी तरीके की परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें क्वाट्रो ड्राइवर में अलग अलग टिप देखने को मिलती है, मतलब तुम अपने ही हिसाब से चूज कर सकते हो तुम्हें क्या करना है। एंड जैसे तुम्हें पहले देखने को मिलता था कि तुम्हें अलग अलग टिप तुम चूज कर तो सकते थे लेकिन वो उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करती थी, इसमें ऐसा नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। यही रीजन है कि क्यों मैंने जेस्ट एकिलिस को बेस्ट BU बे के लिए सिलेक्ट किया है। सो यही थी आज की वीडियो बेस्ट बेब्लेड फ्रॉम एवरी बेब्लेड बर्स्ट सीजन के बारे में। एंड तुम्हारी क्या रैंकिंग्स होंगी, मतलब कौन से सीजन में तुम कौन से बे को बेस्ट मानते हो, कमेंट करके जरूर बताना अपनी रैंकिंग्स। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है या कुछ भी नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने अपना एक शॉर्ट्स चैनल भी बनाया है, उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर तुम्हारा कोई टॉपिक है जिस पे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो अपना वो टॉपिक कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ पाऊं। एंड जिन लोगों ने अपना टॉपिक पहले ही कमेंट कर रखा है उन सभी की वीडियोस पर काम चल रहा है, तुम देख सकते हो मैं धीरे धीरे करके सभी वीडियोस ला रहा हूं, लेकिन अभी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।